स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे अंक की मात्रा वाले शब्द। आपका कौन सा है? लेसन नंबर 12 है अंक की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या है, अंक की मात्रा लगाई हुई है ऊपर बिंदी, ये क्या है? अंक की मात्रा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कन टू ज्ञ, मतलब इनके क्या है? अंक की मात्रा लगाई हुई है क के ऊपर और ज्ञ के ऊपर। तो हम देखते आगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, क के ऊपर अंक की मात्रा, ये क्या हो गया? कन। ख ख के ऊपर अंक की मात्रा, ये क्या हो गया? कन। फिर उसके बाद क्या है? ग ग के ऊपर अंक की मात्रा, तो ये क्या हो गया? कन। घ घ के ऊपर अंक की मात्रा, ये क्या हो गया? घन। ऐसे ही ये क्या हो गया? दन। फिर ये क्या है? चन छन जन छन, फिर यन। फिर उसके बाद क्या है? ट ट के ऊपर अंक की मात्रा, तो हो गया तन ठन। फिर ये क्या है? धन, फिर ढन, फिर ढन। उसके बाद क्या है? तन थन दन, फिर क्या है? धन नन। फिर क्या है? प प के ऊपर अंक की मात्रा, तो ये क्या हो गया? पन फन बन। फिर क्या है? धन मन यन रन। फिर क्या है? लन। फिर वन सन सन। फिर क्या है? शन हन। फिर क्या है? छ छ के ऊपर अंक की मात्रा, तो ये हो गया छन। त्र त्र के ऊपर अंक की मात्रा, तो ये हो गया त्रन। और फिर लास्ट क्या है? ज्ञ ज्ञ के ऊपर अंक की मात्रा, तो हो गया ज्ञन। ठीक है, आपको ये क्या करना है, ऐसे जैसे मैंने रीड करा वैसे ही आपको घर पे रीड करना है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रश्न नंबर 2, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखो, ज्वाइंट एंड मेक वर्ड। हमें क्या करने हैं? वर्ड को ज्वाइंट करने हैं, फिर क्या करना है? वर्णों को जोड़कर शब्द लिखने हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अ, उसके बाद क्या है? फिर दिया हुआ है अंक की मात्रा और फिर लिखा हुआ है ग, तो इसको मिला के ये क्या बन गया? अंग। तो आपको यहाँ पे ये क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अंग। फिर सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है त, त के बाद फिर अंक की मात्रा, फिर हो गया ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ग, तो ये इसको मिला के ये क्या बन गया? तंग। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है तंग। फिर थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है व, अंक की मात्रा स, तो ये क्या हो गया? वन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ह, अंक की मात्रा, फिर स, तो ये क्या बन गया? हन। फिफ्थ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है क, अंक की मात्रा ठ, तो ये क्या बन गया? कंठ। छ अंक की मात्रा ड, तो ये क्या हो गया? झंडा। फिर यहाँ पे लिखा म अंक की मात्रा द, तो ये क्या हो गया? मंदा। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स अंक की मात्रा क और र, तो इसको मिला के क्या बन गया? संकर। फिर यहाँ पे नाइन्थ नंबर लिखा हुआ है प, फिर त, फिर अंक की मात्रा और फिर क्या लिखा हुआ है? ग, तो इसको मिला के क्या बन गया? पतंग। और फिर लास्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क अंक की मात्रा च और न, तो ये क्या बन गया? कंचन। ठीक है, जैसे हमने ये वर्णों को जोड़ के शब्द बनाए हैं, वो आपको क्या करना है? सामने जोड़ जोड़ के सामने सारे शब्द लिखने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? चित्र देखकर नाम लिखिए। हमें क्या करना है? चित्र देखकर नाम लिखने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है चित्र देखकर नाम लिखिए। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये क्या है? देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? चंदा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? चंदा। फिर ये क्या है? संख। तो आपको यहाँ पे लिखना है संख। ठीक है, सौ के ऊपर क्या है? अंक की मात्रा। फिर ये क्या है, आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये क्या है? पंखा। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक में क्या लिखना है? पंखा। ठीक है, प के ऊपर क्या है? अंक की मात्रा और ये खा। फिर ये किसका चित्र है? पतंग। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? पतंग। फिर ये क्या है? बंदर। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है बंदर। फिर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका चित्र है? अंगूर का। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ब्लैंक में नीचे लिखना है वहां पे अंगूर। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे नीचे चित्र दिया हुआ है किसका? देखो ये क्या है? नारंगी। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? नारंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है? तिरंगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? तिरंगा। फिर ये क्या है? लंगूर। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है लंगूर। ओके, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है मैच द सेम वर्ड। आपको क्या करना है? जो सेम वर्ड है उनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नारंगी,
तो यहाँ पे नारंगी सामने क्या लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर पे नारंगी, तो आपको इससे मैच करना है। फिर ये सेकंड क्या है, सिंदूर, सिंदूर का लिखा हुआ है, ये लिखा सिंदूर, तो आपको सिंदूर से मैच करना है। फिर थर्ड क्या है, वंदना, वंदना का है, ये रहा फर्स्ट नंबर पे वंदना, तो आपको इससे मैच करना है। फिर यहाँ पे क्या है, फोर्थ नंबर घंटाघर, घंटाघर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा सेकंड नंबर पे, तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये मैच करना है। फिर फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे क्या है, बजरंग, बजरंग कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा थर्ड नंबर पे, तो आपको ये बजरंग से मैच करना है। और फिर लास्ट यहाँ पे क्या है, शतरंज, शतरंज कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा फाइव नंबर पे, तो आपको क्या करना है, शतरंज को फाइव नंबर से मैच करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, राइटिंग गुड हैंड राइटिंग, आपको क्या करना है, गुड हैंड राइटिंग में ये जो नीचे यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं उनको गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, राइटिंग गुड हैंड राइटिंग, देखो मैं सेंटेंस पढ़ती, क्या लिखा है, पहला गंगा के किनारे मंदिर था, अंधा माला जप रहा था, साधु के हाथ में कमंडल था, मंदिर के पास जंगल था। ठीक है, ये जो मैंने अभी सेंटेंस रीड करे, यहाँ पे सामने ब्लैंक दिए, आपको यहाँ पे ये लिखना है। जैसे क्या लिखना है, गंगा के किनारे मंदिर था, तो यहाँ पे आपको लिखना है, अंधा माला जप रहा था, तो वो यहाँ पे लिखना है, साधु के हाथ में कमंडल था, तो यहाँ पे आपको गुड हैंड राइटिंग में सामने लिखना है। फिर क्या है, लास्ट मंदिर के पास जंगल था, तो यहाँ पे आपको गुड हैंड राइटिंग में फिर यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, अंक की मात्रा लगाकर शब्द लिखो, हमें क्या करना है, अंक की मात्रा लगाकर शब्द लिखने, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है अंक की मात्रा, ठीक है, उसको लगा के हमें क्या करना है, शब्द लिखने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ के ऊपर क्या है, अंक की मात्रा, वो आपको लगानी, ठीक है। फिर और लिखा हुआ है धा, तो इसको मिला के फिर ये सामने लिखना है अंधा, ठीक है। फिर उसके बाद स के ऊपर वापिस अंक की मात्रा, और ये क्या है, ख, तो आपको ये सामने पूरा लिखना है सम। फिर क्या है, यहाँ पे देखो प, ल, ल के ऊपर अंक की मात्रा है ग, तो ये क्या हो गया, पलंग, तो यहाँ पे आपको लिखना है पलंग। फिर फोर्थ नंबर का क्या है, टी, ल, र के ऊपर अंक की मात्रा है, और ये क्या है, गा, तो इसको मिला के हो गया तिरंगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है तिरंगा। फिर स के ऊपर इसमें अंक की मात्रा है क, ल, तो ये क्या हो गया, शंकर। फिर यहाँ पे क्या है, ज, ज के ऊपर अंक की मात्रा गल, तो ये क्या हो गया, जंगल, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर ऐसे यहाँ पे म के ऊपर अंक की मात्रा है गल, तो ये हो गया मंगल। लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ग के ऊपर अंक की मात्रा गंगा जल, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, गंगा जल, ठीक है। यहाँ पे आपको सब में अंक की मात्रा लगानी है, फिर वो सब भी यहाँ पे सामने लिखने। फिर यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर सेवन, नए शब्द बनाए, हमें यहाँ पे क्या करना है, नए शब्द बनाने। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ जंग, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, गल से मैच करना है, तो इसको मिला के ये क्या बन जाएगा, जंगल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सामने लिखना है जंगल। सेकंड लिखा हुआ है मंग, फिर गल से हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मंगल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ब्लैंक में मंगल। फिर लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दंग, फिर क्या करेंगे, गल से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दंगल, ठीक है, तो ये शब्द बन जाएंगे जंगल, मंगल और दंग। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया, अब आपको क्या करना है, ये पीडीएफ आपके नोटबुक में कॉपी डाउन करनी है गुड हैंड राइटिंग में, ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग में आपको सही है सब नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।